बीकॉम सेकेंड ईयर। आज हम बात करेंगे आपके जो आगे का टॉपिक चल रहा था डायरेक्ट मेटल के अंदर। हमने लास्ट लाइव क्लासेस में दो क्वेश्चंस देख लिए थे कि लिफो मेथड में आप स्टोर लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे, और स्टोर वैसे ही हमने फीफो के अंदर भी देख लिया था लाइव क्लासेस के अंदर। ओके, तो हम आज डिस्कस करेंगे कि इसमें जो लिफो मेथड और फीफो मेथड को यूज करते कुछ इन्फॉर्मेशन देख के उसको एक और क्वेश्चन से कैसे सोल्व कर लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टुडेस क्वेश्चन। फर्स्ट आपको रिपोर्ट करनी है स्टोर लेजर में। आपके पास कुछ रिसिप्ट है, 250 रिसिप्ट है, 312 रुपीज, इट मीन आपको ट्रेड निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन नहीं है। सेकेंड रिसिप्ट होगी 100 यूनिट्स, 130 दे रखी है, और उसकी रेट निकालनी पड़ेगी। तो आप डिवाइड कर देंगे कॉस्ट जो भी प्राइस है उसमें यूनिट्स में डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट रेट आपकी बाहर आ जाएगी। रिसिप्ट दे रखी 150 यूनिट्स है, और अमाउंट में दे रखा 50 पर यूनिट कितने आएंगे 1 रुपीज की कॉस्ट आ जाएगी। ओके, तो आपने परचेज कितने में किया, इशू किया 55 यूनिट्स, उसकी आपको कैलकुलेशन करके बतानी है। रिसिप्ट दे रखी 50 यूनिट्स की, और उसकी कॉस्ट भी 70 रुपीज, इट मीन आपकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी पर यूनिट कॉस्ट 1.40। इशू दे रखा 40 यूनिट्स, 300 यूनिट्स आपने करना है। फिर यूज करना है मेथड लिफो मेथड, फीफो मेथड है, लिफो मेथड आपको यूज करना है। ओके, आप कैसे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो फर्स्ट हमारे जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट देख के 250 यूनिट्स आपको देगी। क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पे डेट गिवन नहीं है, इसलिए आप रिसिप्ट से स्टार्ट करें। रिसिप्ट आपकी दे रखी है वो 250 यूनिट्स है। ओके, तो अमाउंट में लिख दें 312.50। ओके, फिर आपको इसका बैलेंस वापस शो करना है, 250 यूनिट्स इक्वल टू रेट आपकी 1.25 हो जाएगी, और अमाउंट में लिखें 312.5। ओके, ये आपकी रेट आ गई, अमाउंट हो गई। फिर आपको नेक्स्ट फिर इश्यू रिसिप्ट हुई है 100 यूनिट्स की। ओके, तो आपको फिर वही चीज करनी है, कैसे नोट करेंगे इसके अंदर, तो आपने 100 यूनिट्स किए, कितने की 1.3 रुपीज प्राइस है, 1.3 रुपीज प्राइस। ओके, उसको आप लिख देंगे 130 से, बैलेंस लिखना है वापस आपको 250 यूनिट्स आपकी लास्ट वाली थी, और आज प्रेजेंट इस डेट को आइए वो 1.25 और 1.30 की 312.5, और हमें यहाँ लिख देंगे 1.130 130। ओके, नेक्स्ट डेट को फिर आपने रिसिप्ट किए 50 यूनिट्स के बारे में, तो 50 यूनिट्स का आप कैसे एडजस्टमेंट करेंगे उसके बारे में लिखना है। रेट क्या है, तो 50 यूनिट्स हमें परचेस की 50 में, तो पर यूनिट आ गई 1 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे पर रुपीज 1 हो गई। यहाँ पे इशू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर आप बस लिख दे बैलेंस 250, 150 यूनिट्स का बैलेंस लिखना है। ओके, तो इसका बैलेंस होगा 1.25, 1.30 एंड 50 1 रुपीज इसका बैलेंस हो जाएगा। अब आपका ये बैलेंस कहाँ शो करेंगे, नेक्स्ट कॉलम में आप शो करेंगे अमाउंट के साथ लिख देंगे। अमाउंट आपका आ जाएगा 250 312.50 130 एंड 50। ओके, ये आपका बैलेंस हो गया। ओके, अब मैं प्रॉब्लम स्टार्ट होगी इशू के टाइम से, तो इशू कितना कर रहे हैं, तो फर्स्ट इशू हमारे को मिला 55। ओके, 55 यूनिट्स आप इशू करेंगे, आपका मेथड कौन सा यूज करना है वो देखना होगा। तो अब मेथड फर्स्ट बात कर रहे हैं फीफो मेथड की, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो बोल आपका फर्स्ट आया उसे आप फर्स्ट अप्लाई करेंगे वापस। तो अभी 250 दे रखा है, 250 फर्स्ट आया है, तो आपको 55 अलाउ करना है। ओके, 55 आप अलाउ कर दो उसको, तो कितना अमाउंट होगा, 312 दे रखा है, उसका आपको देखना है यहाँ पे कितना बच जाएगा, इस रेट से होगा 1.25 के अकॉर्डिंग, इसकी अमाउंट हो जाएगी 68.50। ओके, फिर और कोई इशू करना बाकी रह गया क्या, नहीं था, आपकी अमाउंट बच गई 200। ओके, 200 आपके क्या बैलेंस बच गया, यहाँ पे बैलेंस दे रहा वो बच जाएगा आपका 200, क्योंकि आपके 195 आपका बैलेंस बच जाएगा। ओके, इस बैलेंस का अमाउंट मल्टीप्लाई करके लिखना है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे ये आपको अमाउंट आ जाएगा बाहर, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका बचेगा 312.5 माइनस 68.5। ओके, 0 12 माइनस 8 4, टू 240
फोर आपका आंसर आ जाएगा 244 आपका यहाँ बैलेंस लिखेंगे 244 ओके 244 आपका बैलेंस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वापस आपको कितनी इशू करनी है तो नेक्स्ट वापस आपको रिसिप्ट हुई है तो रिसिप्ट के अंदर लिखेंगे आपको बैलेंस भी लिखना है ताकि दूसरी यूनिट का तो आपकी 100 यूनिट भी कोई चेंज नहीं हो 50 में भी कोई चेंज नहीं हो 1130 एंड 1 ओके तो आप अमाउंट लिख दे 130 और 1 ओके ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखना पे इशू करना है तो इशू कितना करेंगे रिसिप्ट कर रहे आप 70 ओके 50 यूनिट्स आप रिसिप्ट कर रहे अमाउंट में 70 तो 1.40 की ये आप इसको वापस कर दे आपके पास मेडल हो जाएगा चार टाइप से ओके चार रेंट का मेडल हो जाएगा। तो आपको चार रेंट का मेडल कितना 195 100 50 एंड लास्ट आपको बच जाएगा 50 एक और है वो अब रेट अलग हो गई 1.25 1.30 1 और 1.4 ओके सारा मेडल आपको लिखना है बैलेंस में ओके 100 एंड 70 ओके। फिर आपको इशू करने की बात है आपको इशू डेट देखनी है इशू कौन से डेट को आप कर रहे हैं तो इशू कर रहे हैं नेक्स्ट जो आपका 300 यूनिट्स करनी ओके तो इशू के अंदर आप चले जाएं इशू कॉलम में देखें 300 में फर्स्ट आपको 195 इशू करनी ओके वो 195 करें 1.25 के अकॉर्डिंग 244 ओके फिर नेक्स्ट आपको करनी 100 यूनिट्स वो हो जाएगी 1.30 की 130 एंड लास्ट आपको जो बची है 500 स्कोर करनी 300 करनी है तो उसके लिए आप लिख देंगे 1 रुपीज रेट होगी तो 5 इसको कर देंगे और बैलेंस में शो करेंगे 45 है और 45 1 रुपीज यहाँ पे 50 ओके 50 है और यहाँ पे आप बैलेंस 1 रुपीज लिखे 45 लिख देंगे इसका बैलेंस नेक्स्ट का बैलेंस लिखेंगे 50 इक्वल टू 1.40 और बैलेंस में देंगे 70 एंड लास्ट इज फिर आपको क्या करना है एक टाइम कोड इशू करना है वो इशू करने को बोला 40 यूनिट्स है 40 इशू करेंगे रेट होगी 1 रुपीज 40 और आपका लास्ट का बैलेंस होगा 5 यूनिट्स आपकी बच जाएगी और 50 यूनिट्स बच जाएगी एक की रेट है 1 और 1.40 ओके तो यहाँ पे बचेंगे 5 एंड लास्ट इज 70 आपका लास्ट का बैलेंस अमाउंट पहुंचेगा 75 ये आपका क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। फीफो मेथड का सेम लिफो में होता तो लास्ट वाली यूनिट्स फर्स्ट डिवाइड आप ट्रांसफर करते हैं स्टूडेंट्स अगर इशू करना होता है लास्ट वाली यूनिट्स को करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फीफो मेथड के बाद लिफो की ओके थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे।